आज हमारे बीच आने वाले हैं जसकरण सिंह। वेल बोल्ड सभी कुछ फ्रैक्शन नहीं होगा ना, तुम वो स्पॉट भूल जाएगा। तुमको पता करना होगा कि कौन से एरिया से हमको देखना शुरू करना ताकि हम वहाँ देख सकें। आज भी उसका हल्का मैंने खलील अहमद के साथ वक्त बिताया है रणजी ट्रॉफी नेट्स में और सर कॉटनी वॉल्स के साथ। तो हेलो क्रिकेटर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कुंदन एंड यू आर वाचिंग कुंदन पेस। तो आज का वीडियो मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है और आप जितने भी फास्ट बॉलर हैं सबके लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज हमारे बीच आने वाले हैं जसकरण सिंह। जसकरण सिंह के बारे में बता दूं कि वो झारखंड सीनियर टीम से खेले हुए हैं और तीनों फॉर्मेट खेले हैं। तो वो IPL में MS धोनी के अंदर खेले हुए हैं, राइजिंग पुणे सुपर जायंट के तरफ से 2 साल वो स्क्वाड में थे और MS धोनी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और उनसे हम लोग ने बहुत कुछ सीखा है। तो आपको आज ये मौका मिलेगा कि MRF पेस फाउंडेशन में भी बहुत दिन ट्रेनिंग कर चुके हैं और बहुत कम एज में, जब वो अंडर 19 एज ग्रुप में थे उसी टाइम उन्होंने रणजी ट्रॉफी रिप्रेजेंट किया हुआ था और वो झारखंड के स्विंग किंग भी माने जाते हैं। ऑन द वे है भैया और वो थोड़ी ही देर में हमारे पास आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बड़े आयुष शॉट वेल बोल्ड बोल्ड। मेरे बोलने का मतलब है भाई कि फास्ट बॉलिंग में कभी भी नीचे मत देखो। अक्सर अभी बहुत लोग बॉल डाल रहे हैं, ठीक है सर्विस खराब है, बहुत ज़्यादा होगा तो नो बॉल होगा, ये मैच तो नहीं है। वो नीचे देख के आदत मत खराब करो, क्योंकि हम लोग का जो प्राइम कंसंट्रेशन होता है वो छोटे समय के लिए होता है बॉलिंग में। अगर हम लोग बहुत दूर से भी अपने स्पॉट को देखेंगे तो भी हिट नहीं कर सकते, थोड़ा सा भी कुछ फ्रैक्शन नहीं होगा ना तुम वो स्पॉट भूल जाएगा। तुमको पता करना होगा कि कौन से एरिया से हमको देखना शुरू करना ताकि हम वहाँ फेंक सकें। बहुत लोग क्या कह रहे हैं कि दौड़ के आ रहे हैं यहाँ पे नीचे देख रहे हैं फिर ऊपर देख रहे, उतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। ड्राइंग कॉन्सेंट्रेशन के लिए तुमको एक सर्टेन जैसे अंपायर के पास आने तक वो जगह में देखने से बराबर से जाएगा और एक्शन को लेके एक जगह में डाल सकते, ठीक है। पेस होता है भाई, 130 भी अगर तुम क्लिक कर रहे हो और अगर तुम्हारा एरिया अच्छा है और तुम्हारा बॉडी का अलाइनमेंट अच्छा है तो 130 भी तुम 135-140 लगेगा। ये नीचे गिरने का जो सिलसिला है और ऊपर जाने का जो सिलसिला, इसी में जो जूझेगा वही आगे बढ़ेगा। अगर तुम सोचोगे कि हमेशा तुमको प्रेस किया जाए तो भाई स्पोर्ट्स लाइफ में तो ये पॉसिबल नहीं है कि तुमको हमेशा कोई अच्छा बोले, नहीं नहीं मिलेगा कोई आदमी, अनलेसली तुम किसे बोलेंगे। अभी जैसे लीग मैच मान लो कि एग्जांपल अभी तुम लोग का लीग ही खेलोगे, स्टेट का भी इसमें से कोई है नहीं, तो 11 मैच होता है, 11 मैच में तुम हर मैच में 5 विकेट ऑल नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर सबसे छोटा टास्क अगर मिले फिर
ग्यारह मैच में अच्छा बॉलिंग हर मैच होता है, ठीक है, वो जरूरी है। और अगर तुमको जिस दिन बॉडी अच्छी चल रही है, जिस दिन लग रहा है कि मेरा सर्कुलेशन चल रहा है, उस दिन तुमको अच्छा विकेट मिले, बाकी दिन जो बोलते हैं ना कि सिक्स ओवर 24 रन से एक विकेट, सात ओवर 21 रन दो विकेट, तो एक दो विकेट बहुत जरूरी है। वो एक दो विकेट ही तुमको टोटल नंबर ऑफ विकेट्स में 20-25 लेके जाएगा। पाँच विकेट वाला हॉल तुमको एक मैच में लेगा, तुम्हें दस कोई रोक नहीं सकते, ईजी मिलते हैं। नया बॉल तुम तीन विकेट ले जाएगा, पुराना बॉल से आएगा दो विकेट ले जाएगा। लेकिन जिस दिन तुमको एक विकेट दो विकेट मिले, उस दिन तुमको मेहनत करना है। अक्सर तुम कभी भी देखो जब एक विकेट दो विकेट मिलता है बहुत मेहनत लगता है, बैट्समैन चौका मार रहा है। अभी इनिशियली तो तुम जहाँ डालना है वहीं देखो, तो फेस में तब तुम घुस सकते जब तुम कंसिस्टेंटली एक जगह में फेंक रहे हो, जब तुम जहाँ देख रहे हो वहाँ गिर रहे। अभी तुम एक तो रणजी ट्रॉफी बॉलर या कोई इंडिया बॉलर को बोला वो ब्रश भी नहीं कर रहा या आग भी उसका हल्का ये रहेगा, वो हाथ घुमाएगा ना वहीं गिरेगा, क्योंकि वो 50,000-60,000 बॉल वहाँ डाल दिए। अगर तुम्हारे प्रैक्टिस में बराबर से देख के बॉल गिर रहे, तो मैच में तुम्हारा क्या है कि तुम ऐसे दौड़ के जाएगा लोडिंग करेगा बॉल वहीं गिरेगा। तो स्प्रिंट मारो ना, स्प्रिंट मारो, स्ट्राइक मारो, रनअप प्रैक्टिस करो। रनअप जो तुम्हारा रनअप वो ले लो और उसको ये करो दौड़ो। तो इसीलिए रनअप को हर 3 महीने में एक बार जरूर नापना चाहिए। हाइट भी बढ़ता है किसी किसी का, जैसे मान लो कि ये इसका हाइट अगर मान लो बढ़ा, ये सोचेगा कि हम वही रनअप लेंगे तो इसका तो लेंथ बढ़ रहा है। रनअप हमेशा 3 महीने में, कैसे ब्लड टेस्ट करा था 6 महीने, हर 3 महीने में एक बार रनअप चेक करो। हाँ रिवर्स, हाँ इससे कोई मसला नहीं है। रिवर्स स्विंग अगर वो कराना है तो मान लो साइन रिवर्स स्विंग में इसका कोई काम नहीं है। रिवर्स स्विंग काम है कि जो हवा है वो हवा से तुम्हारा बॉल का स्पीड तेज रहना चाहिए और बॉल एक तरफ बना हुआ रहना चाहिए। दोनों स्विंग कराए तुम नहीं विकेट मिलेगी, तुम्हें बता देता हूँ। तुम कहीं कहीं भी जाओ तुम दोनों स्विंग कराएगा तुम नहीं विकेट मिलेगा। तुमको एक स्विंग कराना है, एक सीधा रखना, हाँ सीधा रख। हाँ कोई बैट्समैन जान गया है कि इन स्विंग मारता है तब तुम एक आउट स्विंग मार दो, लेकिन सीधा वाला बॉल को डेवलप करो। अगर इन स्विंग बॉल अच्छा होता है या आउट स्विंग बॉल अच्छा होता है तो हमेशा तुमको विकेट मिलेगा, सीधा स्विंग में नहीं मिलेगा। तो जैसा कि आपने देखा आज जसकरण सिंह हमारे बीच उपस्थित थे और उन्होंने बहुत सारे टिप्स हमारे फास्ट बॉलर को दिया। उनके साथ सामने से मौजूद थे, उनका बॉलिंग को ऑब्जर्व किया और उनका जो जो फॉल्ट था उन्हें गाइड किया और जिनका भी डाउट था उनका डाउट को उन्होंने क्लियर किया। क्वेश्चन जो भी बॉलर्स पूछ रहे थे उनका उन्होंने आंसर किया बहुत अच्छे से। सो बहुत अच्छा सेशन रहा और आप लोगों भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हो। जसकरण भैया के बारे में बता दूं कि जब मैं छोटा था, जब मैं जेआरडी जाता था, जब मैंने क्रिकेट की शुरुआत की थी, तो उन्होंने बहुत गाइड किया था, बहुत हेल्प किया था एज अ फास्ट बॉलर, क्योंकि उस समय मैं जेआरडी जाता था और वहाँ पे भैया आते थे, तो उन्होंने उस समय बहुत सारा कुछ मुझे फास्ट बॉलिंग से रिलेटेड टिप्स दिया। तो मेरा जैसा नेचुरल इंस्विंग है तो उन्होंने उस पर कैसे कमांड बनाना है ये सब बताया और उनके साथ रणजी ट्रॉफी नेट्स में बहुत बॉलिंग किया है। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है शुरू से और अभी आप लोगों भी उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। आज का वीडियो फुल देखा है आपने तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपको अगर कुंदन पेज फाउंडेशन से जुड़ना है तो आप डिटेल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप सारा डिटेल ले सकते हो। तो अगर आपको मेरे पेज फाउंडेशन के बारे में और डिटेल चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप देखोगे मैंने खलील अहमद के साथ बहुत वक्त बिताया है रणजी ट्रॉफी नेट्स में और सर कॉटनी वॉल्स के साथ टाइम स्पेंड किया है और राजस्थान के एक फास्ट बॉलर है अनिकेत चौधरी, उनके साथ भी टाइम स्पेंड किया है और भी बहुत सारे बॉलर्स हैं जिनके साथ मैंने नेट्स में बॉल डाला है, जैसे बसील थम्पी हो गए, बहुत सारे इंटरनेशनल बॉलर हैं जिनके साथ मैंने रणजी ट्रॉफी नेट्स में बॉल डाला है। सो आपको बहुत कुछ सीखने को वहाँ मिलेगा। कुंदन पेस 100 MPH करके मेरा इंस्टाग्राम है, जो आपको डिटेल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए देखिए। और अगर मेरे कुंदन पेस फाउंडेशन से जुड़ना है तो वहाँ DM करिए, डिटेल आपको मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आपको अगर फास्ट बॉलिंग से रिलेटेड और वीडियोज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कुंदन पेस 100 MPH को जाके फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको फास्ट बॉलिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मिलते रहेगी, इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप बॉलिंग फास्ट, कीप हसलिंग।